ब्लैक शूज यार ऑब्सेशन भी ना अलग अलग तरीकों की होती है। आजकल तो मुझे सपने भी इस तरीके के आते हैं कि रात में सोते हुए। इतना ज्यादा दिमाग घुमा हुआ है, एक छोटा सा पंगा हो गया मेरे साथ। मेरे फ्रेंड का अभी फोन आया था, बॉसी का, शौर्या, जिसको आप जानते हो, शायद ब्लॉग्स में देखा होगा। तो उसने मुझे बताया कि 9.5 मिनट का ब्लॉग जो मैंने पिछला ब्लॉग डाला है, वो 9.5 मिनट का, बाकी आगे स्ट्रेच है 12 मिनट तक, 3 मिनट तक सिर्फ ब्लैक स्क्रीन है। ओके, नहीं वो सही थे, शायद 11.5 मिनट के बाद कुछ से दिक्कत आ रही है, वो इसी में ही हो गया। देखो इसके बाद ये पूरी जो फाइनल रेंडर फाइल है, ये सारी ब्लैक पड़ी हुई है। आई थिंक दैट्स माई फॉल्ट। एडिटिंग के टाइम मैंने पूरी वीडियो दोबारा नहीं देखी थी, एंड जिसकी वजह से वो सारा हुआ। अभी फिलहाल मैं इसको यूट्यूब एडिटर से काटने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि रीअपलोड तो कर नहीं सकता, काफी टाइम हो गया उसको अपलोड किए हुए। ओके, मुझे कह रहा है कि व्यूअर्स विल सी द करंट वर्जन ऑफ द वीडियो, यू वोंट बी एबल टू मेक चेंजेस टू द वीडियो। थोड़े से घंटे लग जाएंगे, मतलब चल भाई क्या कर सकते हैं, सेव करो और देखते हैं। आई एम सो सॉरी फॉर दैट, मेरे को सच में नहीं दिखा था, क्योंकि जल्दबाजी में थोड़ी सी एडिट हो गई थी एंड प्रॉब्ली उसकी वजह से ये हो गया है। एनीवेज, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू द चैनल एवरीवन। आज अपने पास ये है, 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 8 शूज, सारे के सारे ब्लैक। काफी सारी डिमांड आई थी जो पिछली वीडियो थी भाई, वो तो इतना गंदा बूस्ट मार गई कि लोगों ने बोला मुझे कि भैया अब हमें चाहिए ब्लैक शूज का हॉल। तो ये सारे सारे जितने भी डब्बे देख रहे हो, इनमें सब में ब्लैक शूज है, एंड सिर्फ और सिर्फ एक या दो तरीके के नहीं है, काफी सारे तरीकों के। मतलब आप मान लो A to Z कैटेगरीज जो शूज की होती है, वो मैंने सारे इसके अंदर मंगवाने की कोशिश कर रही है। एंड इस बार मुझे लगता नहीं कि इसके अलावा आपको कोई भी शू का पेयर की नीड पड़ेगी। सबके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन उससे पहले दिन स्टार्ट करते हैं। बाल धोते हैं यार, कितने ज्यादा गंदे हो गए हैं, वी नीड टू कंडीशन देम एंड शैम्पू देम आज ही। एंड इसमें मैं ट्राई करूंगा आपको प्रोडक्ट्स दिखाने का, क्योंकि काफी लोग ये पूछ रहे थे कि हेयर केयर के लिए कौन से प्रोडक्ट्स यूज करते हो, तो मैं दिखाता हूँ अभी कि कौन सा करता हूँ। उससे पहले मैं आपको एक और चीज दिखा दूँ, ये मेरा स्नेक प्लांट है बेचारा यार, इसमें मैंने पता नहीं क्या हुआ इसको, मैं तो प्यार से रखता था इसको, हर एक हफ्ते में एक बार पानी डालता था, और अब ये बिल्कुल सूख चुका है। पता नहीं क्या हुआ, मतलब पानी डलता था इसके अंदर, शायद पानी ज़्यादा आ गया था जिसकी वजह से ये बैठ गए या क्या हुआ, इनको शायद धूप में रखना चाहिए था। ये वाले अभी भी ठीक है, लेकिन इसके कुछ पत्ते अभी भी सूखने लग गए हैं। खैर, आई डोंट नो, आई ट्राइड माई बेस्ट, और सैटरडे सैटरडे इनमें हमेशा पानी जाता है। अब सही में तुम किसी चीज़ को बचपन से उगा रहे हो तो उससे थोड़ी सी अटैचमेंट हो जाती है, चाहे वो प्लांट से क्यों ना हो। प्लांट भी तो यार लिविंग ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं कहीं ना कहीं। सो राइट नाउ लेट्स गो एंड शैम्पू आवर हेयर। मैं ना दो तरीके से बाल धोता हूँ अपने, या तो सीधा प्रेशर मोटर चला के एक बार प्रेशर चेक करूँ, ये जो प्रेशर है ना काफी तेज है और बालों में से जितना भी गंक होता है वो निकाल देता है, और दूसरा होता है शावर के नीचे खड़े होकर। फिलहाल के लिए मैं नहा नहीं रहा हूँ, बट मैं बाल धो रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो इसी से काम चला रहे, लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। फील्स फ्रेश, एंड आज का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है, जिसकी वजह से मेरा मूड थोड़ा सा और ज़्यादा अपलिफ्ट हो गया है। रात यार ऑब्सेशन भी ना अलग अलग तरीकों की होती है। आजकल तो मुझे सपने भी इस तरीके के आते हैं कि रात में सोते हुए किसने मेरे बाल काट दिए, और फिर से मैं उस शॉर्ट हेयर कट में वापस आ गया हूँ। आई नो अजीब सा सपना है, बट क्या करें, आ रहा है तो। एंड अभी 8 मिनट में वी नीड टू लीव टू पिक मम्मी अप, क्योंकि मम्मी अभी ऑफिस गई हुई है, कोई है नहीं घर पे, तो मुझे जाना पड़ेगा बारिश में। लेकिन एक ट्विस्ट है, मैं जा रहा हूँ स्कूटी पे, इस बार गाड़ी पे नहीं जाऊंगा। मैं चाहता हूँ थोड़े से मौसम के मजे लिए जाए, और थोड़ी जो ठंडी ठंडी हवा चल रही है वो हमारे शरीर पे भी तो पड़े। 8 मिनट्स, वी नीड टू लीव। वेल, मैं पहुंच तो चुका हूँ, पर मम्मी देख नहीं रही, और उनका फोन भी नहीं लग रहा है, ना व्हाट्सएप कॉल जा रही, ना उनका शायद नेट चल रहा है। पता नहीं मुझे कितनी देर वेट करना पड़ेगा, बट या दिस इज द रोड, एंड ये भैया होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसेस। अब जैसा लगा था वैसे ही हुआ, जैसे ही मैं पहुंचा वहां पे बारिश स्टार्ट हो गई, मतलब पहुंचने के बाद नहीं, आधे रास्ते के आने के बाद। और सबसे बड़ी गंदी बात है कि मेरे ना जेब में एयरपॉड्स पड़े हुए थे, अब ये होपफुली चल रहे हो, थोड़े से गीले हो चुके हैं, बट स्टिल आई ट्राई किए, चल जाए, वैसे चल जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आती। बट स्टिल जैसे मैं आया, मैंने ये देखा इनका जो पहाड़ बनाया था, ऐसे बेचारे लेट गए हैं, प्रॉब्ली काम वाली आई थी तो उसने सफाई वफाई करी होगी, तब कर दिया होगा उसने काम। अब स्टार्ट करेंगे हम हॉल ऑफ द ब्लैक शूज अंडर। इस बार थोड़ा बजट बढ़ा लिया था, 10,000 के अंडर के सारे लेकिन बहुत सारे शूज हैं, 8 शूज 10,000 के अंदर। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ, टी शर्ट भी गीली हो गई है, इसको भी चेंज करते हैं और आते हैं। ब्लैक शूज एक ऐसा पेयर है जो भैया बहुत ज्यादा वर्सेटाइल है, एंड जो हम स्कूल में पहना करते थे वो भी ब्लैक शूज होते थे। क्यों होते थे, हमें स्टार्टिंग से ना आदत डाली गई है कि यूनिफॉर्म के जब भी शूज होते हैं, या तो वो दो कलर्स के होते हैं, एक ब्राउन कलर या ब्लैक कलर, ब्राउन की शेड्स हो सकती हैं, ब्लैक का तो चलो खैर एक ही रहता है। आज हम ब्लैक के बारे में बात करने वाले हैं, एंड इनमें से अगर आपको कोई भी पसंद आता है,
सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहला ब्रांड विच इज Amazon's ओन ब्रांड सिंबल। पहले इनके शूज यूज कर चुका हूँ एंड मैंने पहले चेल्सी बूट्स मंगवाए थे, काफी ज्यादा अच्छे चले थे, मुझे कभी दिक्कत नहीं आई उनमें, ना वो कभी टूटे ना खराब हुए। हाँ ये कह सकता हूँ कि इतनी क्वालिटी उतनी सुपीरियर नहीं थी जितने दिखने में होनी चाहिए, बट स्टिल दे वर क्वाइट इंप्रेसिव मैन। मतलब मैंने शायद 800 या 900 रुपए के ही खरीदे होंगे, आजकल ऑप्शन ज्यादा जाते हैं, मैं 3 साल पहले की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट शू मेरे लिस्ट पे है ये वाला एक स्नीकर जो कि सिंबल की तरफ से है, काफी ज्यादा कूल लुकिंग लेदर फिनिश में, दिस इज नॉट एक्चुअल लेदर, अच्छी बात है लेदर नहीं है, एक्चुअल लेदर को मैं प्रमोट करता भी नहीं ज्यादा। और नीचे जो सोल है वो रबराइज है, दिस इज नॉट अ पीयू सोल, जो पीयू सोल होती है यूजुअली वो ज्यादा चीप मिलती है, बट दिस इज अ रबराइज सोल विच कॉट माय आईज एंड मुझे लगा कि यार ये वाला शूज आप लोगों को दिखाना चाहिए। इसका प्राइस है 749 रुपीज एंड सबसे ज्यादा उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो ज्यादा लेसेस वाले शूज पहनना पसंद नहीं करते, तो यू कैन गो फॉर दिस। अंदर की पैडिंग भी इज क्वाइट नाइस, कंफर्टेबल शू है एंड इसकी रेटिंग भी काफी अच्छी थी जिसकी वजह से मुझे ये मंगवाना पड़ा, 749 का एक पेयर। नेक्स्ट जो बॉक्स है उसको वैसे मैं अनबॉक्स कर चुका हूँ, एक बार पहन भी चुका हूँ शूट पे, तो आपको मैं दिखा देता हूँ किस तरीके का दिखता है। ये अमेजोन के जो बॉक्सेस है ना ये ऐसे ऐसे हैं क्योंकि कुछ बॉक्सेस डैमेज हो गए थे अंदर से, प्रॉबेबली इसलिए उन्होंने खुद के बॉक्सेस दे दिए। तो इस ब्रांड का नाम है मोता किनोती बड़ा इंप्रेसिव सा नाम है, शायद ये इटालियन नाम रखना चाह रहे होंगे, बट ये है इंडियन ब्रांड ही। एंड मुझे ना लोफर्स चाहिए थे बहुत ज़्यादा टाइम से ब्लैक कलर के, मेरे पास सारे तरीके के हैं, मतलब मेरे पास ब्राउन है, मेरे पास थोड़े टैन कलर के हैं, मेरे पास थोड़े अलग अलग तरीके के, बट ब्लैक नहीं थे, तो मैंने सोचा कि वाई नॉट इन्वेस्ट इन समथिंग लाइक दिस। एंड ये वाले काफी कंफर्टेबल शूज हैं, यूजुअली जब भी मैं लोफर्स लेता हूँ उनकी लो क्वालिटी की वजह से ना शू बाइट हो जाती है, क्योंकि ये वाला एरिया बहुत ज्यादा स्टिफ होता है उनका, अब वो स्टिफ बार बार लगता रहता है पैर में जिसकी वजह से शू बाइट आपको देखने को मिल सकती है, बट इनमें मुझे वो प्रॉब्लम नहीं आई, दैट्स वाई आई थिंक दीज आर रियली कंफर्टेबल एंड नाइस। एंड इस तरीके का दिखता है, काफी ज्यादा अच्छा लेदर, दिस इज नॉट पेटेंट लेदर, बट हाँ ये थोड़ा सा शाइनी लेदर में आता है। एंड अगर आप पार्टी वेयर के लिए कुछ मतलब प्रेफर करना चाहते हो तो यू कैन गो फॉर दिस, उसके लिए एक बेस्ट शू की तरह आपके पास आ सकता है। अगर प्राइस की बात करूं तो 1049 का इसका प्राइस है, which is I think quite good यार, इतनी अच्छी लुक के साथ, क्योंकि जो यूजुअली आप देखते हो ना उनमें वो लिखा होता है गुची के वो बनाए हुए होते हैं अजीब अजीब तरीके के, वो जैसे 3 stripes लोफर में, ये सारी चीजें बता रहा हूँ, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, इनमें ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल प्लेन सिंपल, और ऊपर आपको वो टैसल तो दिखी गई होंगी जिसकी वजह से इसकी और ज्यादा लुक एलिवेट हो सकती है। व्हाइट स्नीकर वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी ना तो वो जरूर जाके देखना, उसमें भी मैंने 6 shoes के बारे में बात करी है जो आपके पास होने चाहिए, लेकिन उसमें सारे के सारे व्हाइट है। एंड उसमें एक कॉमेंट था कि यार आपने OG कॉन्वर्स नहीं दिखाए, तो यूजुअली मेरे पास कॉन्वर्स पहले से ही थे तो मुझे लगा नहीं कि उसकी मेरे को नीड है, खास करके मैं ऑलरेडी उसको दिखा भी चुका हूँ, वो कूव से मंगवाए थे मैंने, कॉन्वर्स ब्रांड नहीं कॉन्वर्स के शूज, मतलब कैनवस शूज बोलते हैं इनको, और अब मैंने मंगवा ली है OG के ब्लैक OG चक टेलर्स ऑल स्टार्स, एंड ये आपको देखने को मिलेंगे, इस तरीके के हाई टॉप्स हैं ये, मेरे को लो टॉप नहीं चाहिए था इस बारी, एंड मेरा ना बहुत टाइम से मन था कि हाई टॉप में इन्वेस्ट किया जाए, खास करके एक बढ़िया ब्रांड के, तो कॉन्वर्स के इस बार मंगवाए हैं। एंड ये काफी ज्यादा कैजुअल, काफी ज्यादा स्लीक लुकिंग शूज है, मुझे काफी पसंद आते हैं। अगर आपको याद हो ना बचपन में, मतलब अभी काफी लोग जो होंगे वो स्कूल जाते होंगे, तो व्हाइट कलर के ऐसे कैनवस के शूज आते थे कपड़े वाले जो लोग पहन के जाया करते थे, काफी लोगों के लिए प्रैक्टिकल इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये ना बारिश के टाइम पे नहीं चलते, अंदर पानी सीप इन हो जाता है जिसकी वजह से आपकी सॉक्स और आपको अजीब सा अनकंफर्टेबल लगता है। बट ओवरऑल शू की बात करूं तो दिस इज अ रियली नाइस पेयर, आप इसको आउटफिट के साथ कैजुअली पेयर अप करना चाहते हो तो। इसका प्राइस है 1650 जो आपको अगेन लिंक्ड इन डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर आप सेल में मंगवाते हो, खास करके जो अभी आ रही है, जो चल रही है, उसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, डू चेक इट आउट, प्राइस देख लेना क्या होता है। नेक्स्ट जो शू का पेयर है वो मेले बूट्स है, देखो कितना बड़ा बॉक्स आया है इसका, इतना बड़ा बॉक्स किसी शू का नहीं है जितने मैंने मंगवाए हैं, उल्टा जिस अमेजोन ने जो डब्बे दिए बड़े वाले उसका भी इतना बड़ा नहीं है, तो आपको पता चल गया जैसे मैंने बताया कि बूट्स है इसके अंदर। तो ब्रांड है ओजार्क, ये मेरे पास ऑलरेडी ब्राउन कलर में पड़े हैं, रेड टेप का ये वाला ब्रांड है, एंड आपको दिखाता हूँ किस तरीके का ये दिखता है। बूट बिल्कुल सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें इधर उधर की चीज़ें नहीं कर रखी है, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, ब्लैक सिंपल येट स्टाइलिश बूट, मतलब इसको देख के भाई अलग ही मजा आ जाता है, और आई थिंक कि ये भी एक विंटर के लिए बढ़िया ऑप्शन होने वाला है। प्लस दिस इज लेदर मटेरियल, जेन्युइन लेदर है ये, प्रॉपर वैसे वाला लेदर नहीं है जो रियल लेदर होता है, जेन्युइन लेदर में थोड़ा सा फर्क होता है, किसी और दिन बात करेंगे। एंड अंदर थोड़ी सी कुशनिंग हो रखी है विच इज अगेन अ गुड स्टफ। इसका जो UK साइज है वो 9 है, बूट्स यूजुअली सबको पसंद नहीं आते, सबके लिए कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन अगर आपका स्टाइल है और आप कैरी कर सकते हो देन यू कैन गो फॉर दिस, काफी ज्यादा चीप प्राइस में आपको ये मिल जाते हैं। 1026 के बूट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, रेड टेप का ब्रांड मिल रहा है, एंड पीछे जो सोल है वो भी काफी ज्यादा अच्छी है, रबराइज्ड सोल है तो आपको फिसलने का भी डर होगा नहीं, बट हां दीज आर मिलिट्री टाइप ऑफ बूट्स, तो थोड़ा सोच समझ के पहनना, इनको हर आउटफिट के साथ ही कैरी नहीं होते हैं, बहुत आराम से इनको आप कैरी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको आता है विंटर के साथ इनको पहनना।
नेक्स्ट शू अगेन अमेजोन के डब्बे में आए, इनमें यही लिखा है कि ये वाला जो ट्रांजिट में था बॉक्स ओरिजिनल वाला वो खराब हो गया था, उस बॉक्स की हालत दिखा रहा हूँ आपको, तो ये ऐसा कुछ हो गया था बेचारा बॉक्स, बट कोई नहीं अब क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है। तो इसके अंदर जो शू है वो स्पोर्ट्स शूज़ है, तो स्पोर्ट्स शूज़ जो है मैंने सारे ही मंगवा लिए, मैंने जैसे को कहा था फॉर्मल शूज़ भी है, स्नीकर्स भी है, स्पोर्ट्स शूज़ भी है, तो स्पोर्ट्स शूज़ का बस एक ही पेयर मंगवाया है। इस शू का नाम है एडिडास क्लिंच XM, मतलब पता नहीं इसका इतना बड़ा नाम क्यों रखा है, बट आई थिंक अगर स्पोर्ट्स शू में काफ़ी लाइट शू देख रहे हो ना भाई, ये मतलब बहुत ज़्यादा हल्का होगा, इसका वेट अगर नापने भी जाए ना तो मेरे ख्याल से ग्राम्स में ही होगा, बहुत कम ग्राम्स में, 100-200 ग्राम से ऊपर मेरे जूता लग नहीं रहा है, वो भी मैं शायद ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। नीचे जो इसकी सोल है वो PU की है, दिस इज़ नॉट रबराइज सोल, तो अगर आपको लगता है कि रबराइज सोल आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होते तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। अगर PU आपके लिए काम करती है, PU में मेनली ये जो नीचे के आप ये देख रहे हो ना, ये जब घिस जाते तो ये बहुत ज्यादा स्लिपरी हो जाता है, ये चीज होती है रबराइज में, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता। बट अगेन एक स्टील डील है, आपको 1700 के ये वाले शूज मिल रहे हैं, 1700 में आपको इतना लाइट वेट मेरे ख्याल से नहीं मिलने वाला, काफी ज्यादा लाइट वेट है। हाँ, इसमें और भी ब्रांड्स होते हैं जैसे कि स्केचर्स हो गया, पूमा हो गया, पूमा का एक शू है वो आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन वो वाले जो होते हैं उनमें थोड़ी सी डिटेलिंग ज्यादा होगी, ये बिल्कुल उन लोगों के लिए जो बिल्कुल सिंपल शू प्रेफर करते हैं अपने लिए, सो या यू कैन गो फॉर दिस। नेक्स्ट है बॉन्ड स्ट्रीट करके, रेड टेप की तरफ से ही है ये, एंड रेड टेप लंडन लिखा हुआ है, तो मे बी ये डिजाइन वहां का हो, जो कंपनी तो रेड टेप इंडिया की ही है। एंड इस तरीके का ये शू दिखता है, विच इज अ ब्लैक स्नीकर, क्लासी कलर, पीछे आपको हल्का सा ग्रेइश वो देखने को मिलेगा डिटेलिंग, एंड अंदर की जो सोल की बात करो वो भी काफी सॉफ्ट है, एंड नीचे अगेन रबराइज। रेड टेप की जूतों की ना मुझे खास बात यही लगती है कि क्वालिटी अच्छी यूज करते हैं, और इनका जो प्राइस होता है वो भी बहुत ज्यादा सुपर हाई नहीं होता है बाकी ब्रांड्स की तरह से। एंड इनका जो ऊपर का है मटेरियल वो आई थिंक ये वाला रेक्सीन है, दिस इज फॉल लेदर, दिस इज नॉट एग्जैक्टली जेन्युइन लेदर। नीचे का लेकिन मेरे को इंप्रेस कर गई भाई, 43 साइज में अगर आपको ये मिल रहा है, लेसेस भी काफी अच्छी क्वालिटी के, वो पतले वाले नहीं है जो एकदम से शेप बिगाड़ देते हैं लेसेस की, तो या यू कैन गो फॉर दिस। एंड इस तरीके का ये शू दिखता है, प्राइस इसका अभी फिलहाल आ रहा है 958 रुपीज का, एंड अगेन मैं फिर से बोलूंगा कि शूज ना यार जल्दी से जाके ले लेना, क्योंकि पिछली बार भी आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे काफी सारे, एंड काफी सारे लोग डिसअपॉइंट हो रहे थे, तो जल्दी से जाओ और शूज ले लो। नेक्स्ट जो ब्रांड है अगेन वो रेड टेप ही है, बॉन्ड स्ट्रीट करके जो इनका ब्रांड आता है वही सेम है, लेकिन शूज अलग है, एंड इसका प्राइस मैं आपको पहले बता देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 820 रुपए, 820 रुपीज के आपको ये वाले शूज देखने को मिलने वाले हैं। मॉन्ग स्ट्रैप्स फ्रॉम द हाउस ऑफ बॉन्ड स्ट्रीट, इस तरीके के हैं ये, प्रॉपर फॉर्मल क्लोदिंग या फिर सेमी कैजुअल क्लोदिंग, सेमी फॉर्मल सॉरी क्लोदिंग के काम आता है ये, एंड काफी अच्छा मटेरियल है। इसमें बस एक दिक्कत है कि ये वाले जो होते हैं इनमें क्रीज पड़ने बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, क्रीज बड़े आराम से इसमें पड़ जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। नीचे अगेन जो सोल है वो प्रॉपर फॉर्मल के तरीके से दे रखी है, एंड आई लव मॉन्ग स्ट्रैप्स, चाहे वो सिंगल हो चाहे वो डबल हो, ये वाले सिंगल है, बट मेरे पास ब्लैक कलर के नहीं थे तो मैंने सोचा चलो एक बार मंगवा के देखते हैं, मेरे तो काफी सारे शूट्स में काम आ जाते हैं। एंड द मटेरियल इज ऑल्सो नाइस, क्वाइट लाइट वेट, जो मेरे पास इससे पहले टीक वुड के थे वो काफी ज्यादा भारी थे लेदर के शूज, बट दीज आर गुड, एंड आई थिंक 820 रुपए में भाई नहीं मिलते, टीक वुड वाले 4000 रुपए के शूज थे। लास्ट शू का पेयर, एंड अगेन जो डैमेज बॉक्स है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगेन ये अमेजोन का ही बॉक्स है, तो भाई तो कुछ ज्यादा ही डैमेज है, तो हाथ में ही हाथ, तो बॉक्स कुछ इस तरीके का दिख रहा है, विच इज रियली अनइम्प्रेसिव, एंड फट चुका है पूरा शू का बॉक्स, बट कोई नहीं उन्होंने अपना खिंचवा दिया, आई डोंट माइंड दैट। पूमा का स्मैश V2 ऊपर जो है भाई वो स्वेड का फिनिशिंग देता है, और नीचे एक बार उसकी लुक देखो, जो सोल है प्रॉपर वाइट नहीं है, वाइट हो तो ये बहुत ज्यादा नॉर्मल शू बन जाता है, जैसे कि आपको रेड टेप का दिखाया वो काफी ज्यादा नॉर्मल है, काफी ज्यादा मिनिमल है, बट ये जो डिटेल सिर्फ और सिर्फ इतनी सी आई है ना ब्राउन कलर की सोल के साथ, इतना ज्यादा इसको एलिवेट कर दिया है। प्लस अगर इसके अंदर की बात करूं, विच इज द सोल, वो सॉफ्ट फोम में है, जो मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में दिखाया था ना पूमा का वल्क वाला जो शू था उसकी वाली सेम, इसका मतलब शू भी सेम ही है, बस कलर थोड़ा सा डिफरेंट है, बट अगेन दीज आर रियली गुड क्वालिटी शूज, अगर आप देखना चाहते हो, बजट है ज्यादा 2000 तक का है, गेट देम, सोचो मत कुछ भी। पूमा की ब्रांडिंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एंड यहाँ पर इस तरीके का साइन पूमा का, एंड जब भी आप उसको पहन के जाओगे भाई कम से कम 15-20 नजरें तो आपके शू पे जाएंगी जाएगी, क्योंकि दीज आर लाइक आउटस्टैंडिंग कपल ऑफ शूज जो मैंने आपको सारे के सारे दिखाए हैं। इनमें से आपको कौन सा पसंद आया कॉमेंट करके जरूर बताना। सो दैट वॉज द व्लॉग एंड अदर हॉल ऑफ द ब्लैक शूज, आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, इतने से दूर है भाई हम, इतने से 50,000 सब्सक्राइबर होने में, 43,000 आपने पहले करवा दिए थे, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया डू चेक इट आउट, जाकर सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन जरूर दबाना, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर मोर अपडेट्स, फैशन रील्स एंड अदर एडवाइजेस एज वेल फॉर ग्रूमिंग। आज के व्लॉग को यहीं पर खत्म करते हैं, सो टिल द नेक्स्ट टाइम स्टे सेक्सी स्टे स्टाइलिश, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।